बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 1,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट मोबाइल बांटे और बता दें कि अटल जी की जयंती पर स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ हुआ। वहीं यूपी में 1,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल भी दिए जाएंगे। तो लखनऊ में सीएम योगी ने 1,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल बांटे। बता दें कि अटल जी की जयंती पर स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ हुआ। तो वहीं यूपी में 1,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल दिए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी अपना पूर्ण जोर लगाती दिख रही है। बीजेपी यूपी पर तोहफों की बरसात करती नजर आ रही है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज छात्रों को 1,00,000 स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए यह बड़ी पहल की और इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। लखनऊ इकाना स्टेडियम में एक हुए समारोह में सीएम योगी ने कुछ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट खुद बांटे, बाकी छात्रों को स्मार्टफोन और टैब पोर्टल के जरिए मिलेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। यूपी सरकार का भव्य कार्यक्रम पूर्व पीएम अटल जी की जयंती पर यह आयोजन किया गया है। तो छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल यहां पर बांटे गए हैं ताकि जो लोग छात्र हैं वो आगे बढ़ सके। तो यूपी सरकार की तरफ से अटल जी की जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम। किससे मिलेगा टैबलेट और ये आपको बता रहे हैं एमडी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमएस की जो छात्र हैं उनको ये टैबलेट और मोबाइल दिए जाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाया गया। तो एमए, बीए, बीएससी के छात्र भी इसके लाभार्थी होंगे। एमडी, बीटेक, एमटेक के जो छात्र हैं उन्हें भी ये टैबलेट और मोबाइल जो है दिया जाएगा। तो यूपी सरकार का ये भव्य कार्यक्रम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किया गया है। तो इस दौरान छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल वितरित किए जाएंगे। तो 60,000 छात्र छात्राओं को मोबाइल दिए गए हैं। संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के इस खास मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, तो साथ ही छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट भी बांटे गए। जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये घोषणा की थी कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी होंगे, जो प्रतियोगी होंगे, जो फर्स्ट आएंगे और पारदर्शिता के साथ जिनका चयन होगा उन सभी मेधावी छात्रों को मोबाइल और स्मार्टफोन और ये टैबलेट वितरित करेंगे। और आज उसी कड़ी में इकाना स्टेडियम में बहुत बड़ी संख्या के बीच 60,000 के आसपास में जो है वो मोबाइल फोन और जो टैबलेट है उसका वितरण किया गया और इसके अलावा जो और अन्य अभ्यर्थियों उन सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया हुई एक सबसे बड़ी बात ये रही उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि पारदर्शिता के साथ जो अभ्युदय योजना के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा को क्वालिफाई किया था, जो मेधावी छात्र थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी संभावना है, एक्सप्लोरिंग बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें छात्रों से बात हुई, छात्रों ने इतनी ज्यादा खुशी जताई कि इस बार जो है छात्रों को उनका सही हक मिला है। तो कहीं ना कहीं से आज के इस कार्यक्रम का स्किल डेवलपमेंट की जो बात सरकार करती रही है अब उसमें कहीं ना कदम जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।